सब्सक्राइब करें एक्सप्लोर फॉर यू को और बेल आइकन को क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसा हैं आप सब। YouTube के नए मोनेटाइजेशन रूल 2018 के हिसाब से आपके YouTube चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर होना कंपलसरी है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं E4U। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू इंक्रीज YouTube सब्सक्राइबर और वॉच टाइम। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला टिप ये है कि आप YouTube पे ट्रेंडिंग वीडियो सर्च करें। आप YouTube के इस बार पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ट्रेंडिंग का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग वीडियोस आपको शो करेंगे। इन ट्रेंडिंग वीडियोस पर कोई वीडियोस बनाएं तो आपके व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सेकेंड ऑप्शन है गूगल ट्रेंड। आप गूगल ट्रेंड पर जाकर यहाँ से देखिए, आप कैटेगरी आपकी जो भी हो, टेक हो, एंटरटेनमेंट हो, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं अभी साइंस एंड टेक सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेकंड इसके नेक्स्ट में कंट्री का ये टैब दिया है, यहाँ से आप आपकी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इंडिया के लिए आप वीडियो बना रहे हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग चल रहा है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। आप इससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाएं और निश्चित ही 100% आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। सेकेंड टिप जो है फ्रेंड्स, आप अपने वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी रखें। क्वालिटी अच्छी होगी, कंटेंट अच्छा होगा तो जो भी आपका वीडियो देखता है वो उस वीडियो को एंड तक देखेगा। आप अपने वीडियोस में, हर वीडियो में एंड स्क्रीन जरूर लगाइएगा। एंड स्क्रीन लगाने के लिए आप वीडियो मैनेजर पे जाइए। यहाँ पर देखिए जो मेरे वीडियोज़ हैं, इनमें से मैं कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एंड स्क्रीन एंड एनोटेशंस, हम इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद में देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है एड इम्प्लीमेंट और यहाँ से आप अपने एंड स्क्रीन कंटेंट्स लगा सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको। देखिए ये डिलीट हो गया है। यहाँ से जाकर देखिए इसमें तीन ऑप्शन दिए होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वीडियो एंड प्लेलिस्ट, उसमें से अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो भी मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं, जैसे कि मैंने ये वीडियो सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद इसको क्रिएट कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने हर एक वीडियो में एंड स्क्रीन बिल्कुल ज़रूर लगाया करें। एंड स्क्रीन लगाने के बाद में आप इसको यहाँ से सेव कर दीजिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कार्ड्स का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ सजेस्टेड वीडियोस यहाँ पर शो करता है जो ऊपर आई में, वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सजेस्टेड वीडियो यहाँ पर दिखा देता है। तो इसको लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पर मेरे ये 5 सजेस्टेड वीडियो लगे हुए हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, जो मेरा पुराना वीडियो है उसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से आप टाइम लाइन पर जो है टाइम सेलेक्ट करके कि किस टाइम पर आपका वो सजेस्टेड वीडियो आना चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड पर जाके क्रिएट करेंगे और यहाँ से मैं कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से प्लेलिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट कार्ड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा कार्ड लग चुका है। यहाँ से उसका टाइम वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ कि किस टाइम पर वो कार्ड जो है वो शो होना चाहिए। देखिए वीडियो प्ले होगा तो ये इस तरीके से शो करता है। को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले देखिए जैसे यहाँ टाइम पर आया है, देखिए सजेस्टेड वीडियो यहाँ पे शो करने लगा है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन के पास ऑलरेडी डाउनलोड है। इन सजेस्टेड वीडियो से आपका वॉच टाइम बढ़ेगा और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टिप मैं जो बता रहा हूँ वो काफी इम्पोर्टेंट है। आप जब भी अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर बनाइए। प्लेलिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पे जाएंगे, यहाँ देखिए मेरी एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रिक्स की। तो अगर कोई आपका वीडियो सेलेक्ट कर लेता है और आपकी इस प्लेलिस्ट में आ जाता है तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी आपका ही शो करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है, ये मेरा वीडियो जो पैसिव चालू हुआ, अब यहाँ साइड में देखिए मेरे ही वीडियो शो कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, क्योंकि आपका एक वीडियो खत्म होने के बाद में सेकंड वीडियो जो स्टार्ट होगा वो आपका ही होगा। तो इससे आपके चैनल का वॉच टाइम बढ़ता है, आपके वीडियोस का वॉच टाइम बढ़ता है।
आई होप फ्रेंड जो भी टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं वो आपके चैनल के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। तो अगर आप अभी तक इनको फॉलो नहीं करते हैं तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।